हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब ये शुभ विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे के जीवन साथी। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। बहुत बहुत मुबारक। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। खुश रहे, सदा सुहागन रहो। जुग जुग जियो, सुखी रहो। मनप्रीत जी, अब आपकी बेटी हमारी हुई, विदाई दीजिए इसको। मेरे घर की शोभा और मेरे घर की बेटी घर लेके जा रही हूं मैं। बेटी से बढ़कर माना इसे, ध्यान रखना। आप रोइए मत, मैं इसका ध्यान रखूंगा अपने से ज्यादा। ओके, अब मैं विदाई का सामान लेकर आती हूँ। खुशी, आज आप हमारे साथ अपने घर जाओगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं खुशी के बिना नहीं रह सकती, प्लीज उसे यहाँ से मत ले जाइए, प्लीज। मीका, कैसी बातें कर रही है पुत्र? खुशी अपने घर जाएगी अपने माँ बाप के साथ, और वैसे भी कल तो ये हॉस्टल जाने वाली है। सिर्फ आज रात के लिए, आज रात के लिए मुझे खुशी के साथ रहने दीजिए, प्लीज प्लीज पल्लवी आंटी, प्लीज। हाँ हाँ, उसमें क्या हुआ, आज रात के लिए प्लीज मीका को हमारे साथ ही रहने दीजिए, तुम साथ चलो हमारे। चलिए चलिए चलिए, वैसे ही लेट हो रहा है, विदाई की रस्म शुरू करिए। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हमेशा याद रखना, तेरी माँ है और हमेशा रहेगी। पुत्र, तेरे डैड भी कभी आ सकते हैं। आप प्लीज रोइए मत, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं बदल रहा, प्राची नहीं बदल रही, आपका प्राची से रिश्ता नहीं बदल रहा। मैं बस प्राची को अपने साथ घर लेके जा रहा हूँ, और मैं करता रहूंगा ना आपको फोन, रोज करूंगा। अब प्राची कुछ गलती करेगी तो उसके माँ बाप को तो मैं ही बताऊंगा ना, है ना? अब प्लीज आप ऐसे रोइए मत, और हमें इजाजत दीजिए, हमें प्राची को अपने घर लेके जाना है, इजाजत है। दहली
मिनट एक मिनट, पहले गृह प्रवेश तो होने दो। रखो जल्दी से। अरे एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ खुशी? पापा फोन दो फोन दो। क्या हुआ? रुकी वीडियो बनाना है मुझे। ओह चलिए चलिए आप करते जाओ। रेडी ना? हाँ हाँ। प्राची अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिरा के सुख समृद्धि के साथ इस घर में प्रवेश करो। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं आओ सखी। अब अपना दाहिना पैर इस कुमकुम की थाल में रख के अपने शुभ कदम के साथ इस घर में प्रवेश करो। कोई चोटी काटो आके आए ना किस्मत पैरों से तेरे हुआ। रणबीर संभाल आए से। ऑफ कोर्स संभल के प्राची। किसके पैरों के निशान है? सॉरी वो मेरे हैं एक्चुअली। प्राची के पैरों के निशानों के ऊपर मैंने अपना पैर रख दिया। सॉरी ये सही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए था। ये तो अपशगुन है। पल्लवी रिलैक्स। क्या शुभ, सबसे शुभ बात तो यह कि घर की लक्ष्मी के कदम हमारे घर में आ गए हैं। अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? पल्लवी ये सब मन का वहम है। ये शुभ अशुभ ये कुछ नहीं होता है। जस्ट रिलैक्स। अब प्राची की जिंदगी में अशुभ ही अशुभ होगा और मेरी लाइफ में होगा सब कुछ शुभ। तुम लोग बैठो ना, अभी तो गिफ्ट्स देनी है तुम लोगों को। ओह गॉड, अरे अंकल कौन सी दवाइयां लेते हैं ये? अब तक इन्हें कुछ हुआ कैसे नहीं? अब तक तो जबरदस्त दर्द होना चाहिए था, हार्ट अटैक जैसा। गिव्स कहां रखी? अरे विक्रम। विक्रम विक्रम डैड। विक्रम क्या हुआ? हाँ ठीक है, क्या हो रहा है? डैड डॉक्टर को बुलाओ। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कभी कभी ऐसे ऐसे दर्द होते रहता है मुझे, आजकल कुछ दिनों से हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये ठीक नहीं है। ये कैसा दर्द है? प्राची वो बस ऐसे ही। विक्रम प्लीज इन दोनों को तो बताने दो। पल्लवी आज नहीं, आज इनकी शादी हुई है, कल बता देना। कुछ नहीं नहीं डैड, कुछ नहीं। आपकी हालत देखी मैंने, क्या हुआ है? कोई बताएगा प्लीज, मुझे बताएगा। मम्मी आप बताइए प्लीज। इनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब है। हम इन्हें कल लंदन ले जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। लंदन? लंदन क्यों? अरे मैं तो बताने वाली थी पुत्र, लेकिन विक्रम ने रोक लिया था।
हम लंदन जाके उसकी सर्जरी करवाने वाले हैं और हम सब वहीं रुकेंगे जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। इतनी बड़ी बात आपको नहीं लगा कि मुझे बतानी चाहिए? रणबीर, मैं बस वेट कर रहा था कि ये शादी वादी सब निपट जाए फिर बता देता तुम लोगों को। अरे डैड, शादी पोस्टपोन करा देते हैं यार, आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी है क्या कुछ? आप सब कुछ है हमारे लिए, हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम क्या कर सकते हैं रणबीर, हम क्या करें? मैं नहीं सुनना चाहता कुछ भी डैड। मैं आपके साथ लंदन जा रहा हूँ, मैं आपके साथ लंदन जाऊंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तू पागल है क्या रणबीर? तुम दोनों की आज शादी हुई है। राजीव प्लीज तुम समझाओ इसे। देखो वहां पूरी डॉक्टर्स की टीम मेरे साथ होगी, ठीक है? तुम दोनों ना हनीमून पे जाओ, एंजॉय करो। और रणबीर तुम्हें कंपनी भी तो संभालनी है, इतने सारे लोग हमारे लिए काम करते हैं, वो हम पे डिपेंड करते हैं, वरना देखो उस टेंशन में ना मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हां, सो जस्ट लिसन टू मी, और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करो। No, I'm so sorry, I will not listen to you. ये क्या सब सीरियस बातें लेकर बैठ गया यार? अभी शादी हुई है तुम दोनों की, चलो माहौल बदलो, सब खुशियाँ मनाओ, एंजॉय करो, हाँ सब 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 ठीक है। आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, वो कभी कभी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। कसम से आप ठीक? मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। पल्लवी चलो ना आगे की रस्म की तैयारी करो। जी, हाँ? जी। और खुशी कहाँ है? खुशी को मुझे उसका रूम दिखाना है। खुशी, खुशी कहो। हाँ पापा, बताओ क्या हुआ? चलो आपको आपका रूम दिखाते हैं। ठीक है, चलो चल। ध्यान से। Are you sure? I'm fine. I'm absolutely fine. Don't worry. चलो आपको आपका रूम दिखाते हैं। ओके? मैं भी चलती खुशी के साथ। रणबीर, तू अपने डैड की चिंता मत कर। तुम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत हुई है बेटा। तू बस खुश रहे। You won't deserve this. इतना कुछ सहने के बाद फिर से एक हुए हो। जिंदगी अब तुम्हें सारी खुशियाँ दे। अब जाके आराम करो, कल बहुत बड़ा दिन है, हम भी जाके आराम करते। मैं सबके साथ ही रहना चाहती हूँ, जहाँ भी हो, यहाँ हो लंदन हो, मैं भी ध्यान रख रहा हूँ। तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। राजी, तेरा रणबीर के साथ रहना जरूरी है बेटा। दोनों की अभी अभी शादी हुई है, तुम दोनों बस एक दूसरे के साथ रहोगे। लेकिन कुछ नहीं, तुम डॉक्टर हो, तुम कुछ करोगे उसके लिए? अरे माँ और बीवी हम दोनों उसके साथ जा रहे हैं ना, एक शेर है तो एक सवा शेर है, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, ठीक है? और हाँ, कमरे में जाओ और आराम करो। प्रिया, इन दोनों को ले जाओ। चलो रणबीर, आओ बेटा। डेकोरेशन अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं, सच बताओ, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, ये नहीं कह रही मैं। तो तुम्हारे कीमती आंसू क्यों? सपने देखे जरूर थे, पर विश्वास नहीं हो रहा कि सच में ये सपने पूरे हो जाएंगे, और पूरे हो रहे। सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है। हमारी शादी, सारी रस्में, रीति रिवाज, सब कितने खुश थे। मम्मी कितनी खुश थी। सच है ये सब, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। मतलब ये कमरा देखो ना, कितना सुंदर है, सब कुछ कितने प्यार से सजाया है। मुझे याद है पिछली बार रिया थी यहाँ, और कभी ऐसा होगा ऐसे मैंने सोचा भी नहीं था। और ऐसा अब यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। मैं वादा करता हूँ कि हमारे बीच में कभी कोई नहीं आएगा, कभी कोई गलत फहमी नहीं होगी, हमें कभी भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। ओके? कभी नहीं, कभी नहीं। प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। सुनो, आई लव यू। फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में।
खुशी तुम्हें मम्मी पापा की याद नहीं आ रही? तुम्हें वहाँ नहीं जाना उनके पास? नहीं, मैं यही सो जाऊंगी। मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। आप अरे इतनी भी क्या नींद आ रही है तुम्हें खुशी? कल से तुम्हें हॉस्टल में ही तो सोना है। आज जाके ना तुम मम्मी पापा के पास सो जाओ और ना उनको बोलना कि तुम उन्हें बहुत मिस कर रही हो। अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी उनके पास तो उन्हें लगेगा कि तुम उनसे प्यार नहीं करती, फिर वो तुम्हें हॉस्टल में छोड़ देंगे। सच्ची? सच्ची। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ पर तुम्हारे दिल ने शायद बोला, क्योंकि तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही। आई थिंक तुम्हें इसकी ना हाथ डालनी चाहिए, क्योंकि अब हम हमेशा ना इतने ही करीब रहेंगे। हम कभी भी अलग नहीं होंगे। और हम हमेशा साथ में रहेंगे। और हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। मम्मा, मम्मा। खुशी वेट। खुशी नो नो वेट। खुशी ओह गॉड आई एम सो सॉरी गाइस। इसे तुम दोनों की याद आ रही थी, शी वाज मिसिंग यू। कह रही थी मम्मा पापा के साथ ही सोना है, तो मैं उसको कब से समझा रही हूँ। बट लुक आई नो इट्स योर फर्स्ट नाइट, तो मुझे भी अजीब लग रहा है, बट आई एम सो सॉरी। बट है ना खुशी, तुम बोल रही थी ना तुम्हें मम्मा पापा के साथ सोना है। हाँ मम्मा मुझे आपके साथ सोना है। सी आई एम सो सॉरी। अरे डोंट बी सॉरी, हम वैसे भी चाहते थे कि हमारी छोटी प्रिंसेस हमारे पास ही आ जाए। हम मिस कर रहे थे आपको बहुत ज्यादा। बिल्कुल बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। फिर भी आई मीन तुम दोनों की फर्स्ट नाइट है, तो मुझे बहुत अजीब लग। यू नो व्हाट एक्चुअली खुशी, कम लेट्स गो ना, मैं तुम्हें केक दूंगी। रिलैक्स रिलैक्स मीका, ट्रस्ट मी, वैसे भी हम हमेशा साथ ही रहेंगे, सो डोंट वरी। कम हियर, आ जाओ। एग्जैक्टली, खुशी यहीं सोएगी। मीका डोंट वरी, तुम भी जाके सो जाओ। सॉरी गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट, आ जाओ। कम कम कम। अरे अरे क्या कर रहे हो? नाइस। बस आज की रात तो ऐसे ही कट जाएगी, अब कल के लिए भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। काम कब? आ जाओ। गुड, आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आएगी, पता है? आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मुझे भी। मुझे भी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या बकवास करने के लिए फोन किया? बोल। मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, ये बकवास नहीं है। मैं आपकी लविंग सिस्टर, जिसका प्यार आपकी वजह से तबाह हो गया, खो गया। मैं आपको ये बता रही हूँ, आज से ठीक 45 डेज के बाद आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है, और वो पता है क्या होगी? कि प्राची रणवीर से प्रेग्नेंट है, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। Hey you! Shut up! बकवास लगी अब ये बात? नहीं ना, you know why? Because it's true. दिन गिनने शुरू कर दो अब। क्योंकि वो दोनों ना हनीमून पर जा रहे हैं, और हनीमून पे वो वही करेंगे जो बाकी कपल्स करते हैं। उसके बाद प्राची आपको यही गुड न्यूज देगी कि वो रणवीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। अपना मुंह बंद रख, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अपना मुंह बंद रख बस। भाई मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अभी भी हमारे पास चांस है, रोक लो ये सब। मैं हेल्प करूंगी ना आपकी। पर मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। मैं हार गया। वही बताने के लिए फोन किया। कल प्राची खुशी को लेके जाएगी उसके हॉस्टल छोड़ने, उसके बाद वो अपने हनीमून के लिए निकलेगी रणवीर के साथ होटल सैफरन में।
11 बजे निकलेंगे वो लोग, आप करोगे उनका पीछा। उससे क्या होगा? मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी के लिए आप इतना ही कर लो, जस्ट ट्रस्ट मी। जैसा तो बोलेगी वैसा करूंगा, लेकिन मीका मैं प्राची को खोना नहीं चाहता प्लीज। और मैं रणबीर को खो दूंगी, इसलिए हम दोनों ऐसा नहीं होने देंगे। ओके डन, अब ऐसा ही होगा, इस जन्म में ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पकड़ लूंगा मैं और भाग भागूंगा। अरे चार्जर ले लो। क्या कर रहे हो? रुक जा भागना नहीं। विक्रम खुशी भागो मत, रुक जाओ। दीदा इसमें दवाइयां हैं। हां दे बेटा। खुशी क्या कर रही है? खुशी बड़े पापा को भगाते नहीं, इधर बस दैट बस। अभी खराब हो जाएगा। मैंने आप लोगों का वेब चेक इन कर दिया है। ओके पासपोर्ट ले लिया? हां देख ले लिया, एक बार चेक कर लो, एक बार देख लो। सर्दियों के कपड़े मैंने रेड कलर के बैग में पैक कर दिए। खुशी हमारी टैक्सी बाहर आ गई, कम ऑन लेट्स गो। मम्मा मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप सैड मत होना। सैड मत हो, मैं ऑलरेडी बहुत सैड हूं, मेरा बच्चा जो जा रहा है। अरे मम्मा आप ही ने तो बोला है ना कि इतना बड़ो कि इंटेलिजेंट हो जाओ, है ना? तभी इंटेलिजेंट तो हो, आप यही पढ़ लो ना, पापा भी है, मैं भी, बड़ा मजा आएगा। अरे पर मम्मा मुझे वहाँ ना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज आप पढ़ने तो प्लीज मम्मा मैं जल्दी आ जाऊंगी। देखो तुम्हारी बेटी कैसी बात कर रही है। प्लीज आप मुझे जाने दो, प्लीज मत रोकना ना। देखो मैं सच बताऊँ तो मैं दिल से तुम्हें रोकना चाहता हूँ, पर मैं रोक नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपका बहुत मैंने जाने का बहुत है ना। जाओ पढ़ो लिखो, इंटेलिजेंट बन जाओ, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे। ओके थैंक यू, यू आर माय बेस्ट पापा। या बेस्ट पापा नहीं, आई एम नॉट द बेस्ट पापा, द बेस्ट पापा इज माय पापा। तुम्हारे पापा ही बेस्ट है। ओके हम दोनों के पापा बेस्ट हैं। हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, लेट्स गो। बाय स्वीटहार्ट। बाय दीदा, कॉल करना, ओके मैं जल्दी आ जाऊंगी। बहुत मिस करूंगी तुझे। बाय मम्मा, सैंड मत होना तू। हां बस अभी बस, चलो जल्दी ध्यान रखना और भागना नहीं। बाय, लव यू। बाय। ख्याल रखना अपना और प्राची का भी। आप अपना ख्याल रखना, ओके? टाइम पे दवाई ले लेना एंड हैव अ गुड जर्नी। बाय दीदा। मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, आई विल बी फाइन, और हम लोग फोन पे बातें करते रहेंगे। ओके पापा, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ यार। ऑफ कोर्स ठीक हो जाऊंगा, और तुम दोनों खुश रहना, दोनों एक साथ। ओके सुना तुमने प्राची? आप भी अपना ध्यान रखना, नो केयरलेसनेस। गॉट इट, चल सी यू, लव यू। अच्छा बेटा चलते। अपना ख्याल रखना प्राची, आप भी। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं आ रही हूं बाहर। अच्छा चलो, आती हूं रणबीर। कुछ भूल गए क्या पापा? कुछ भूल गए क्या? अच्छा एक सेकंड, मीका को भी पता है, मेरे को नहीं पता है, व्हाट इज दिस यार। ठीक है एक सेकंड मैं देखता हूँ। यस हाँ मिल गया। ओके डैड बाय बाय, लव यू। क्या हुआ? ये देखो। ये क्या है? देखो पेपर्स। ये हमारे रिजॉर्ट की बुकिंग है जो पापा ने कराई, और हमें बताया नहीं, उनको लगा हम नहीं जाएंगे। चलना है। वैसे मैं क्या ही रिजॉर्ट जाऊंगा, तुम मेरे सामने हो, मैं बाहर की दुनिया क्या ही देखूं। रणबीर चलना है तुम्हें? पहले क्यों नहीं बोला? चलो ठीक है काम करते हम लोग, पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं फिर निकलते। नहीं मैं कह रही हूँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं रुक जाते घर पे। ठीक है, वैसे भी मैं तो बस वो करना चाहता था जो पापा चाहते थे, ये पापा ने कराएंगे ना हम दोनों के लिए सैफरन रिजॉर्ट में, बहुत अच्छा रिजॉर्ट। अरे आप लोग चलते रे, इश्क में पड़ जाते, चलते हैं ना प्लीज, सिर्फ तुम और मैं, बहुत दिनों के बाद हमें थोड़ा वक्त मिले। आई लव यू चिकन। आई लव यू टू बटलर। हाँ।
ये हवा दीदी। हाँ दिया बुझ रहा है, जरा खिड़की बंद कर दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ जल्दी कीजिए ना। हाँ अभी कर देती हूँ, चिंता ना कर। दीदी जल्दी। हाँ कर रही हूँ सारी खिड़कियाँ बंद कर रही हूँ। आपको पता है ना दिए का बुझना अशुभ होता है। बस 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 हो गया हो गया। अब हो गई सारी की सारी खिड़कियां बंद। हाँ अब नहीं बुझेगा दी। तो अब वो पुराने ख्यालों वाली बातें लेके मत बैठ कि शुभ नहीं है ये अशुभ है। ठीक है ये शुभ नहीं है, कुछ तो अनहोनी होने वाली है, ये शुभ नहीं है।